डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सी एल वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू, राजस्थान। आज का अपना टॉपिक है एनिलिडा। एनिलिडा के अपन सबसे पहले कैरेक्टर जानेंगे, उसके बाद में उसके क्लासिफिकेशन और उसके बाद में कुछ उसकी टाइप्स का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं अपन कैरेक्टर्स। एनिलिडा फाइलम एनिलिडा का शब्द का अर्थ है एनुलस। एनिलिडा का मतलब है एनुलस। एनुलस एनुलस का मतलब होता है रिंग। एनुलस का मतलब होता है रिंग। एनिलिडा के जो जंतु है वो सेगमेंटेड होते हैं, यानी खंडित होते हैं। शरीर उनका खंडित होता है, और वो खंडित भी क्या होता है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं। ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड जो जंतु है वो केवल एनिलिडा में ही मिलते हैं। मेटामेरिकली सेगमेंटेड का अर्थ यह है कि जंतु अंदर से भी खंडों में विभाजित है, और बाहर से भी अपन देखेंगे तो वो खंडों के अंदर विभाजित होता है। तो बाहर से भी अपने को दिखाई देता है कि ये अलग अलग खंड दिखाई देते हैं, और अंदर भी क्या होता है, उसके खंड पाए जाते हैं, यानी वो मेटामेरिकली सेगमेंटेड होता है। और उसके बाद में प्रत्येक खंड के अंदर फिर डिवाइडेड होता है। ऊपर से अगर अपन उनको देखें तो प्रत्येक खंड है वो फिर डिवाइडेड होता है। तो इस तरीके से ये जंतु है, और उस जंतु के अंदर इस तरीके से अपन देखें तो ये यहां पर क्या पाए जाएंगे, इस तरीके से जंतु मेटामेरिकली सेगमेंटेड होता है। और बाहर भी अपन देखें तो ये इस तरीके से अपने को खंडित दिखाई देता है। तो ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड है। अब एक सेगमेंट अपन ने ये दिखाया, दूसरा ये दिखाया, तीसरा ये, चौथा ये सेगमेंट है। यहां पर प्रत्येक सेगमेंट फिर खंडों में विभाजित है। प्रत्येक खंड है वो फिर बाहर से, अंदर से नहीं, केवल बाहर से विभाजित है। और वो उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, रिंग्स कहते हैं। जैसे अपन ने हिरुडिनेरिया के अंदर पढ़ा था, प्रत्येक जंतु के अंदर फिर रिंग्स पाई जाती है। तो जो रिंग्स पाई जाती है वो प्रत्येक खंड में पाई जाती है, और उनकी संख्या है वो अलग अलग खंडों में अलग अलग होती है। जिनमें पांच पाई जाती है उनको कंप्लीट खंड बोलते हैं, और जिनमें पांच से कम पाई जाती है उनको इनकम्प्लीट खंड बोलते हैं। तो कहने का अर्थ है कि एनिलिडा का अर्थ क्या, एनुलस से लिया गया, जिसका अर्थ है रिंग। यानी प्रत्येक सेगमेंट के अंदर क्या पाई जाती है, रिंग पाई जाती है। कैरेक्टर देखिए आप इनके, मोस्टली एक्वेटिक, ज्यादातर यहां एनिलिडा के जंतु है वो क्या होते हैं, जल में रहते हैं। सम टेरिस्ट्रियल, बहुत कम जंतु है जो कि स्थल पे पाए जाते हैं। और स्थल पे जो जंतु पाए जाते हैं वो या तो बरोविंग, बिल में रहते हैं, और जो बिल में रहते हैं उन जंतु को ट्यूबिकुलस बोलते हैं। ट्यूबिकुलस, ट्यूब विद इन ट्यूब, मतलब बिल के अंदर जंतु रहता है। और जैसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ट्यूबिकुलस का मतलब विद इन ट्यूब, जंतु एक मतलब बिल के अंदर रहता है, और वो ऐसा लगता है जैसे कोई ट्यूब के अंदर रह रहा हो, तो ट्यूबिकुलस भी उनको बोलते हैं उनको। सम कमेंसल है, कुछ है वो सहजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं, और कुछ है वो पैरासाइट के रूप में भी पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि हर प्रकार के आवास में ये मिलते हैं। बॉडी इनकी इलोंगेटेड होती है, दीर्घित लंबी बॉडी होती है। बायोलेट्रिकल सिमेट्रिकल, यानी इनके अंदर द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये, यानी इनके शरीर है उसमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म तीनों पाई जाती है। और मेटामेरिकली सेगमेंटेड अपन ने बताया। तो ये जो कैरेक्टर अपन ने बताया ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का कैरेक्टर है। यानी किसी भी जंतु का जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो कुछ अपन आधारभूत कैरेक्टर लेते हैं, तो वो आधारभूत कैरेक्टर है ये, बायोलेटरल सिमेट्री का पाया जाना, ट्रिप्लोब्लास्टिक, मेटामेरिक सेगमेंटेड। इसी तरीके से सिलोम है, यहां पर जो सिलोम है वो क्या होती है, ट्रू सिलोम पाई जाती है। जो सिलोम है वो ट्रू सिलोम होती है, और वो ट्रू सिलोम में भी अपन ने दो प्रकार की बताई है, एंटेरोसिलिक और साइजोसिलिक। तो यहां पर साइजोसिलिक सिलोम होती है। यहां पर लिख देता हूं मैं, इनमें साइजोसिलिक सिलोम मिलती है। तो ये कैरेक्टर कौन कौन से कैरेक्टर है, ये आधारभूत कैरेक्टर है, बेस के है, क्लासिफिकेशन के बेस के। तो ये बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, मेटामेरिक सेगमेंटेड, और जो सिलोम होती है वो साइजोसिलोमिक सिलोम होती है इनमें। इनकी जो एपिडर्मिस होती है, बाहर जो ऊपरी ऊपर एपिडर्मिस होती है वो सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस होती है, और उसके सीक्रेशन से ही क्या बनता है, क्यूटिकल। तो ऊपरी ऊपर क्यूटिकल और उसके नीचे एपिडर्मिस पाई जाती है, जिसमें कॉलमनर सेल्स पाई जाती है।
इनका जो मस्कुलेचर है एपिडर्मिस के नीचे क्या होगा, मस्कुलेचर वो भी वेल डेवलप्ड होता है, बाहर की तरफ सर्कुलर होती है और उसके अंदर की साइड में कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडिनल। तो जो सर्कुलर मसल्स होती है वो बॉडी की चारों तरफ होती है, जिनके संकीर्ण से कॉन्स्ट्रिक्शन से क्या होगा, शरीर है वो पतला और चौड़ा होगा। और जब लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स इस प्रकार से होती है जिनके कॉन्स्ट्रिक्शन से क्या होगा, शरीर छोटा हो जाएगा और फैलाव से क्या होगा, शरीर वो बड़ा हो जाता है। तो वेल डेवलप यहां पर मस्कुलेचर पाया जाता है। लोकोमोटरी ऑर्गन, चलने के अंग कौन से हैं, तो चलने के अंग यहां पर क्या होते हैं, सीटी होती है और उनको चीटी भी बोलते हैं अपन, सीटी या चीटी। तो वो सीटी कहां पर होती है, या तो उस जंतु की मेम्ब्रेन पे पाई जाती है, बाहर एपिडर्मिस के ऊपर पाई जाती है, या फिर एपिडर्मिस के ऊपर पैरापोडिया नामक संरचना पाई जाती है, उस पैरापोडिया के ऊपर होते हैं, या फिर इस फाइलम में चलनांग नहीं होते। यानी यहां पर जो चलनांग है, लोकोमोटरी ऑर्गन है, वो सीटी है, मे बी एम्बेडेड इन द स्किन, या तो स्किन के अंदर दसे हुए वो, या फिर वो पैरापोडिया के ऊपर पाए जाते हैं, और या फिर एब्सेंट है, ना पैरापोडिया होगी ना सीधी सीटी होगी, केवल यहां पर एब्सेंट है। इसमें इनकी एलिमेंट्री के अनुसार बहुत सीधी होती है, स्ट्रेट होती है, कंप्लीट होती है। कंप्लीट का मतलब माउथ से लेकर के एनस तक वो कंप्लीट होती है, और डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, यहां पर जो पाचन की क्रिया होती है वो एक्स्ट्रा सेलुलर है, क्योंकि सेल में नहीं होकर के गुहा के अंदर होता है, क्योंकि कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, तो एलिमेंट्री कैनाल की जो गुहा है उसमें डाइजेशन होता है, इसलिए अपन उसको क्या बोलते हैं, बाह्य कोशिकीय पाचन या एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। यहां पर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्लोज टाइप का है। क्लोज टाइप का मतलब क्या होता है, जो रुधिर है वो आर्टरीज और वेन के अंदर ही बहता है, उसको अपन क्लोज टाइप का बोलते हैं। और यहां पर जो ब्लड है उसके अंदर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो कौन सा मिलेगा, कुछ जंतुओं में हीमोग्लोबिन होगा और कुछ जंतुओं में क्या पाया जाता है, इरिथ्रोक्रोनिन के रूप में पाया जाता है। और वो प्लाज्मा में गुला हुआ होता है, अपने शरीर में क्या होता है, ब्लड है वो आरबीसी में होता है, लेकिन यहां पर प्लाज्मा में गुला हुआ है, और या तो वो हीमोग्लोबिन के रूप में मिलेगा या इरिथ्रोक्रोनिन के रूप में मिलेगा। रेस्पिरेशन भाई, अब रेस्पिरेशन यहाँ किसके द्वारा होता है, मॉइस्ट स्किन की स्किन है वो नम होती है, तो या तो उस त्वचा के द्वारा होगा, या पैरापोडिया के ऊपर गिल्स होते हैं छोटे छोटे उनके द्वारा होगा, या फिर हेड भी इनका है वो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। एक्सक्रीशन बाय कोल्ड नेफ्रिडिया, यहां पर जो एक्सक्रीशन है उत्सर्जन है वो किसके द्वारा होता है, नेफ्रिडिया के द्वारा होता है जो कि कोल्ड होते हैं। यहां पर नर्वस सिस्टम में देखिए, ब्रेन सेरिब्रल गेंगलियन होते हैं, दो सेरिब्रल गेंगलियन होते हैं आपस में कमीशन के द्वारा जुड़े रहते हैं, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, ब्रेन। और एक इसमें डबल वेंट्रल नर्व कोड पाया जाता है, और उस नर्व कोड से खूब सारी लेटल्स, प्रत्येक गेंगलियन से दो नर्व निकलती है, तो लेटल नर्व्स पाई जाती है। तो यहां पर नर्वस सिस्टम भी काफी विकसित होता है। सेंसरी ऑर्गन स्वेदांग, यहां पर टेक्टाइल ऑर्गन भी है, स्पर्श के लिए स्वेदांग पाए जाते हैं, टेस्ट के लिए पाए जाते हैं, स्टेटोसिस्ट पाए जाते हैं बॉडी का संतुलन करने के लिए, और देखने के लिए यहां पर फोटोरिसेप्टर सेल्स पाई जाती है, प्रकाश संवेदी कोशिकाएं पाई जाती है। हर्मेफ्रोडाइट, ये जंतु क्या है, एक जंतु, बहुत सारे जंतु होते हैं फाइलम में, तो यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं और बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं, हर्मेफ्रोडाइट भी होते हैं और यूनिसेक्सुअल भी होते हैं। यहां पर जो क्लीवेज होता है, विदलन की क्रिया होती है, वो स्पाइरल और डिटर्मिनेट होती है। स्पाइरल का मतलब होता है जब डिविजन होता है फर्स्ट और सेकेंड, उसके बाद में उसमें सेल्स के अंदर एक घुमाव आता है, जिससे प्रत्येक कोशिका एक कोशिका के ऊपर नहीं होकर के थोड़ा सा घूमी भी होती है। और डिटर्मिनेट टाइप का होता है, तो डिटर्मिनेट में क्या होता है, पहले से ये निश्चित होता है कि जायगोट की ये कोशिका जाकर के ये पार्ट बनाएगी और ये कोशिका जाकर के ये पार्ट बनाएगी, यानी पहले से डिसाइडेड होता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेट, निर्धारित होता है। अगर इनमें लार्वा अगर पाया जाता है, यानी डेवलपमेंट या तो डायरेक्ट भी होगा और इनडायरेक्ट भी होगा। जब डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा तो लार्वा नहीं बनेगा, और इनडायरेक्ट होगा तो लार्वा बनेगा। और जब भी लार्वा बनेगा उसका नाम क्या होता है, ट्रोकोफोर लार्वा होता है, ट्रोकोफोर लार्वा। और इनमें रीजनरेशन कॉमन है, रीजनरेशन यानी पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। तो ये एनेलिडा का क्लासिफिकेशन कैरेक्टर्स है, जिसमें अपन ने यहां से लेकर के यहां तक के जो पांच कैरेक्टर बता रखे हैं, वो पांचों कैरेक्टर शरीर के बाहर के कैरेक्टर है। यानी सबसे पहला कैरेक्टर हैबिटाट का लिया अपन ने, उसके बाद में जो क्लासिफिकेशन के बेस का कैरेक्टर लिया है, उसके बाद में उसकी जो बाहर की लेयर है
एपिडर्मिस मस्कुलेस को लिया है और उसके बाद में उसके चलनांग को लिया है, और चलनांग को लेने के बाद में और बाकी जितने भी कैरेक्टर है वो इसके सिस्टम के कैरेक्टर है। इसलिए आपको याद जब भी रखना है तो सबसे पहले किसी भी फाइलम का कैरेक्टर आप लिखे याद करें, तो उसका एक तरीका होता है कि पहले उस जो फाइलम है उसका अर्थ क्या है वो बता दीजिए, और उसके बाद में उसका हैबिटेट बताइए, उसके बाद में वो जो बेस की कैरेक्टर है वो बताना है, उसके बाद में एपिडर्मिस मस्कुलेचर और चलनांग के बारे में बताना, यानी बाहर के कैरेक्टर, और उसके बाद में शरीर के एनिमल के शरीर के अंदर के कैरेक्टर बताने, यानी अंदर का होना सिस्टम, डाइजेस्ट सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सेंसरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कैरेक्टर बताने। तो इस तरीके से ये फाइलम एनिलिडा के कैरेक्टर है। उसके बाद में नेक्स्ट लेते हैं क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट अपन इनका क्लासिफिकेशन लेते हैं। एनिलिडा का क्लासिफिकेशन में चार क्लासेस बताई है अपन ने। यहाँ पर देखिए एनिलिडा का जो क्लासिफिकेशन है वो किसके आधार पर किया गया, लोकोमोटरी ऑर्गन के आधार पर, ठीक है। और वो लोकोमोटरी ऑर्गन जो है वो कितनी संख्या में पाए जाते हैं उस आधार पे अपन ने कर रखा उसका क्लासिफिकेशन। तो यहां पर देखिए चार क्लास है। फर्स्ट है पोलीकीटा, सेकंड है ओलिगोकीटा, थर्ड है हिरुडिनेरिया हिरुडिनिया और फोर्थ है आर्की एनिलिडा। ये चार क्लास है, ठीक है। इन चार क्लास में पोलीकीटा, पोली का मतलब होता है मेनी, खूब सारे, और चिटी का मतलब हेयर, यानी खूब सारी यहां पर सिटी पाई जाती है पोलीकीटा में। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, बहुत कुछ कम संख्या में फ्यू, तो ओलिगोकीटा का मतलब यहां पे जो सिटी पाई जाती है वो संख्या में कम है, यहां पे ज्यादा है। जब अपने लोकोमोटरी ऑर्गन बताए थे उस समय भी बताया था कि यहां पर लोकोमोटरी ऑर्गन कौन से होते हैं, सिटी, और वो सिटी किस पे होती है, या तो चमड़ी पे सीधा, या फिर पेरापोडिया पर, या फिर लोकोमोटरी ऑर्गन इस क्लास में एब्सेंट होते हैं, इस फाइलम में एब्सेंट होते हैं। तो यहां पर पोलीकीटा में खूब सारी सिटी पाई जाती है, ओलिगोकीटा में कम सिटी पाई जाती है, हिरुडिनिया में लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होते हैं क्योंकि ये एक्टोपैरासाइट होते हैं, इसलिए इनको आवश्यकता नहीं है, तो यहां पर क्या है एब्सेंट है। और चौथी क्लास जो है वो आर्की एनिलिडा, जो सबसे पहली बनी थी वो क्लास आर्की एनिलिडा, इनके कैरेक्टर लेते थे वो। पोलीकीटा के जंतु क्या मोस्टली मेराइन है और ये टेरिस्ट्रियल है। अब इसको अपन कंपेयर करने के लिए एक बार छोड़ देते हैं क्योंकि ये एक्चुअल में एक्टोपैरासाइट है, ये तो परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, तो इनके कैरेक्टर तो थोड़ा एकदम से डिफरेंट हो गए, लेकिन अपन साथ साथ में भी ले सकते हैं। तो देखिए पोलीकीटा के जंतु क्या मोस्टली मेराइन है, समुद्र में मिलते हैं, और कुछ है वो फ्रेश वाटर में मिलते हैं। यहां पर देखिए अधिकांश जंतु क्या स्थल पे पाए जाते हैं, लेकिन कुछ जंतु किस में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में, स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। ये जंतु मेराइन वाटर में नहीं पाए जाते, ये किस में है, मेराइन में, फ्रेश में। ये क्या स्थल पे और फ्रेश वाटर में, यानी मेराइन में ये नहीं है। और ये जंतु क्या है एक्वेटिक, यानी हर प्रकार का पानी जलीय है, लेकिन मेराइन भी हो सकता है वो, फ्रेश वाटर भी हो सकता है, उन दोनों में मिलते हैं वो। और ये एक्टोपैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं, किसी बाह्य जंतु के ऊपर परजीवी के रूप में मिलते हैं, कौन से, हिरुडिनिया का, जिसका एग्जांपल अपन ने हिरुडिनेरिया जोंक लीच पढ़ा है अपन ने, तो वो पैरासाइट के रूप में मिलता है। नेक्स्ट देखिए हेड डिस्टिंक्ट, यानी हेड इनका एकदम क्लियर स्पष्ट होता है, यहां पर भी हेड एकदम से स्पष्ट है क्लियर है, लेकिन यहां पर क्या हेड के ऊपर संविधान पाए जाते हैं, कौन सा, आई पाल और टेंटेकल, टेंटेकल लंबे होते हैं, पाल पर छोटे होते हैं, आंखें देखने के काम आती है, ये तीनों पाए जाते हैं किसमें, पोलीकीटा में, लेकिन यहां पर सेंसोरी ऑर्गन हेड के ऊपर अब्सेंट होते हैं, यहां पर हेड अब्सेंट है, यहां पर हेड नहीं पाया जाता है। थर्ड देखिए सिटी न्यूमरस एंड ऑन पोर पेरापोडिया और सिटी फ्यू, ये तो अपने पहले ही बताया था, तो जो सिटी है वो खूब सारी होती है, पोली का मतलब खूब सारी, और यहां फ्यू है कम होती है, तो सिटी यहां पे खूब सारी होती है और यहां पे ओलिगिटो में क्या कम होती है। लेकिन दूसरा अंतर देखिए आप, ज्यादा और कम का डिफरेंस तो है ही है। इसके अलावा देखिए ये पेरापोडिया के ऊपर पाई जाती है, पेरापोडिया का मतलब है जैसे ये जंतु है और जंतु के अंदर ये खंड है, प्रत्येक खंड में एक संरचना पाई जाती है जिसका नाम क्या है, पेरापोडिया, तो इन पेरापोडिया के ऊपर सिटी लगी रहती है, ये जो सिटी है इन पेरापोडिया के ऊपर लगी रहती है, और यहां पे
जो सीधी चमड़ी के ऊपर लगी रहती है उसमें क्या होगा, ये जंतु है और जंतु के ये खंड है, यहाँ पर चमड़ी से सीधे क्या लगी रहती है, सीटी लगी रहती है। तो ये सीटी कम भी है और यहाँ पे ये नो पेरापोडिया, यहाँ पे पेरापोडिया नहीं पाए जाते हैं, सीधी चमड़ी के ऊपर लगी रहती है। तो इन दो का कंपेयर अपन एक बार करते हैं। तीसरा क्लाइटेलम अपसेट होता है, ठीक है, यानी जंतु के में जब डेवलपमेंट की क्रिया होती है उस समय जो जंतुओं में क्लाइटेलम पाया जाता है, लगभग 9वें 10वें 11वें खंड पर होता है, और वहां उस क्लाइटेलम के अंदर ही कोकून का निर्माण होता है और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो वो क्लाइटेलम यहां पे अब्सेंट है, किसमें, पॉलीकिटा में, और यहां पर प्रेजेंट है। और अगर आप हिरुडिन एरिया में देखो तो क्लाइटेलम एक टेम्परेरी रिप्रोडक्टिव फेज में बनता है, यहां पे परमानेंट नहीं होता है, यहां पे परमानेंट है, अब्सेंट है, यहां पे परमानेंट प्रेजेंट है क्लाइटेलम, और यहां पे रिप्रोडक्शन के दौरान बनता है क्लाइटेलम। सेक्स सेपरेट होते हैं, यानी मेल और फीमेल अलग अलग है, ये उभयलिंगी है और ये भी उभयलिंगी है। यहां पे देखिए ट्रोकोफोर लार्वा प्रेजेंट, इसका मतलब डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, अप्रत्यक्ष परिवर्तन है, यहां पे डायरेक्ट है, कोई लार्वा नहीं बनता, इसका मतलब डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट है। और यहां पे क्या है, यहां पर भी डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट है, कोई लार्वा नहीं बनता क्योंकि वो कोकून में बनता है। तो ये इनके डिफरेंस है पॉलीकिटा के और ओलिगोकिटा के। अब आप हिरुडिनिया के अगर डिफरेंस देखो, अगर कैरेक्टर देखो, तो अपन ने पहले ही बताया कि एक्वेटिक है, एक्टोपैरासाइट है, बाह्य परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। हिरुडिनिया के जंतु ज्यादातर केटल्स के ऊपर होते हैं और ब्लड सकिंग का काम करते हैं, ये रक्त चूसने का काम करते हैं, रक्तहारी होते हैं, सेंगिवोरस होते हैं, बॉडी विद फिक्स नंबर ऑफ सेगमेंट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे देखिए बॉडी के सेगमेंट करीब करीब इस क्लास के जो जंतु है उनमें बॉडी के सेगमेंट फिक्स होते हैं, जैसे हिरुडिन एरिया में अपन ने देखे 33 सेगमेंट पाए जाते हैं। पैरापोडिया सिटी अब्सेंट, पैरापोडिया या सिटी दोनों ही यहाँ पर अब्सेंट है, चलनांग नहीं है। तीसरा देखिए क्लाइटेलम रिप्रोडक्शन के दौरान अस्थायी रूप से बनता है, हर्मेफ्रोडाइट है, उभयलिंगी है, एक ही जंतु में मेल और फीमेल दोनों के जननांग पाए जाते हैं, डेवलपमेंट डायरेक्ट है, कोई लार्वा नहीं होता क्योंकि यहाँ पे कोकून रिप्रोडक्टिव फेज में बनता है, सॉरी क्राइटेलम, तो उस क्राइटेलम के अंदर ही क्या होगा, कोकून का निर्माण होता है। एक विशेष कैरेक्टर देखिए इसका, सिलोम रिड्यूस्ड, इनकी सिलोम बहुत छोटी होती है क्योंकि सिलोम के अंदर बाहर की जो लेयर है एपिडर्मिस है, मस्कुलेचर होता है, और उसके बाद में बोट्राइडल टिश्यू भरा रहता है उसके अंदर खूब सारा, उस बोट्राइडल टिश्यू की वजह से यहाँ पर सिलोम है वो हासित होती है, रिड्यूस्ड होती है। तो ये तीनों क्लास के करेक्टर है, जो तीन क्लास किसकी बताई अपन ने, एनिलिडा की। एक चौथी क्लास आर्कियनिलिडा और मानी जाती है, उस आर्कियनिलिडा के अंदर केवल डजन ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं, एक डजन के करीब एनिमल्स पाए जाते हैं, और वो एनिमल्स सारे के सारे वोरम लाइक है, छोटे छोटे वोरम लाइक है जो कि समुद्रीय पानी में पाए जाते हैं। इनमें इंटरनल सेगमेंट होता है, बाह्य नहीं होता, इन सभी में मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है, अपन ने पहले ही बताया था, लेकिन यहां पर क्या केवल इंटरनल सेगमेंटेशन है, जंतु को देखे तो बाहर से खंडित नहीं है, केवल अंदर से खंडित है, यहां पर ना कोई सिटी है और ना ही पैरापोडिया पाया जाता है, और सेक्स सेपरेट, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, और ट्रोकोफोर लार्वा बनता है। और इस क्लास का जो एग्जाम्पल है वह है पॉलीगोर्डियस, पॉलीगोर्डियस। तो अपन ने केवल एग्जाम्पल इसका आर्कियनिलिडा का बताया, इनका अपन फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे किसका, पॉलीकिटा, ओलिगोकिटा और हिरुडिनिया, इन तीनों क्लासों का अपन फर्दर, क्योंकि इनकी में इसमें सब क्लास है और इनके अपन ऑर्डर भी पढ़ेंगे, कौन कौन से ऑर्डर में कौन कौन से एनिमल पढ़ आते हैं। तो यहां पर नेक्स्ट अपन लेते हैं इनके आगे का क्लासिफिकेशन। तो पॉलीकिटा ओलिगिटा क्लास का जो आगे क्लासिफिकेशन है वो देखिए, पॉलीकिटा जो क्लास है उस क्लास की दो सब क्लास है, पॉलीकिटा क्लास की दो सब क्लास अपन ने बताइए, एक बताइए इरेंसिया और दूसरी बताइए सेडेंटेरिया, दो क्लास है इसमें। इरेंसिया के एनिमल्स फ्री स्विमिंग है और सेडेंटेरिया का एनिमल्स है वो सेडेंटरी है, एक स्थान के ऊपर फिक्स रहते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सेडेंटेरिया, ठीक है। तो ये इनका मेन कैरेक्टर है कि ये फ्री स्विमिंग है और ये है स्थानबद्ध। अन्य कैरेक्टर देखिए,
ये भी बिलो में रहते हैं, क्राउलिंग, बरोविंग। और दूसरी चीज ये कि इरेंसिया के जंतु प्रीडेटरी होते हैं, शिकारी होते हैं, वो प्रीडेटरी होते हैं। और सेडेंटरी के जंतु है वो ट्यूब्स में रहते हैं, यानी दरारों, बिल, बिल केवल बिल के अंदर रहते हैं, ट्यूब्स में रहते हैं। दूसरा देखिए, जो इरेंसिया के एनिमल्स है उनमें जो सेगमेंट है वो खूब सारे होते हैं, खूब सारे सेगमेंट होते हैं, और वो सारे के सारे सेगमेंट है वो एक जैसे होते हैं, केवल हेड वाले और एनल वाले रीजन को छोड़ करके। इसमें दूसरा कैरेक्टर देखिए, सेडेंटेरिया में बॉडी विथ टू और मोर रीजन विथ डिसिमिलर सेगमेंट, बॉडी के अंदर दो या दो से ज्यादा रीजन है, ठीक है, और उनके जो सेगमेंट है वो समान नहीं है, एक समान नहीं है, इनमें सेगमेंट समान है और इसमें असमान प्रकार के सेगमेंट है, स्ट्रक्चर में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। पैरापोडिया विद एसिकुला एंड कंपाउंड सिटी, देखिए यहां पर अपने लोकोमोटरी ऑर्गन क्या बताया था, पैरापोडिया के ऊपर क्या पाए जाते हैं, सिटी, तो यहां पर जो पैरापोडिया है, इस तरीके से जो पैरापोडिया है उसके अंदर एक बहुत मोटा तंतु होता है जिसको क्या बोलते हैं, एसिकुला, और उसके ऊपर खूब सारे कंपाउंड सिटी लगे रहते हैं, ठीक है। तो पैरापोडिया यहां पर जो पाए जाते हैं उनमें एसिकुला भी है और कंपाउंड सिटी है। यहां पर देखिए, नो एसिकुला एंड कंपाउंड सिटी ऑन पैरापोडिया, पैरापोडिया के ऊपर कोई भी इस प्रकार का एसिकुला और इस प्रकार के सिटी नहीं पाए जाते हैं। फिर देखिए, प्रोस्टोमियम डिस्टिंक्ट विद सेंसरी स्ट्रक्चर, यानी प्रोस्टोमियम का सॉरी जो प्रोस्टोमियम है, उस प्रोस्टोमियम क्या होता है कि बॉडी का जो आगे वाला रीजन होता है उसमें आगे एक चमड़ी सी निकली रहती है, त्वचा निकली रहती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोस्टोमियम। उसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, सेंसरी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। यहां पर देखिए, प्रोस्टोमियम पहली बात तो स्मॉल है, बहुत छोटा है प्रोस्टोमियम, स्मॉल, और नो सेंसरी ऑर्गन उसके ऊपर, संवेदन नहीं पाए जाते हैं। तो ये दो सब क्लास बताइए, और इनका फर्दर आगे क्लासिफिकेशन नहीं किया गया ना कि ऑर्डर है, तो इनका जो एग्जांपल अपने यही लिख दिया है, इसमें एफ्रोडाइट आता है, नेरी जाता है और ग्लाइसेरा आता है। सेडेंटेरिया के अंदर देखिए जो एग्जांपल है, किटोप्टेरस, एरेनिकोला, ट्यूबी टेरिबेला और एफ्रोडाइट, ये इसके एग्जांपल है सेडेंटेरिया के। तो ये क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है पोलिकिटा का। उसके बाद में अपन लेते हैं ओलिगोकिटा के, ओलिगोकिटा मतलब उसमें जिसमें सिटी है वो कम मात्रा में पाए जाते हैं वो। अब इसमें चार ऑर्डर बताए गए, और वो चार जो ऑर्डर बताए गए उनका एक बेस है कि उसमें गोनोपोर, जो मेल गोनोपोर है वो कहां पर पाया जाता है, और स्पर्मेथिकी कहां पाई जाती है। स्पर्मेथिकी का मतलब होता है सेमाइनल वेसाइकल, जहां पर स्पर्म आकर के इकट्ठे रहते हैं, सेमाइनल वेसाइकल को ही यहां पर क्या बोल रहे हैं अपन, स्पर्मेथिकी। तो मेल गोनोपोर और स्पर्मेथी की पोजिशन के आधार पर उनको चार ऑर्डर में दिया गया। पहला ऑर्डर है प्रेसिपोरा प्लेसियोथिकेटा, प्लेसिपोरा प्लेसियोथिकेटा। इसमें देखिए, मेल गोनोपोर आर सीन ऑन द सेम सेगमेंट फॉलोइंग द टेस्टिस, जिस खंड के अंदर टेस्टिस है उसी में मेल गोनोपोर है, एक। दूसरा देखिए, स्पर्मेथी की आर प्रेजेंट इन द टेस्टिस सेगमेंट, जिस सेगमेंट में टेस्टिस है उसी में गोनोपोर है, ठीक है, सेम थिंग है, दोनों बातें एक ही है। देखिए, मेल गोनोपोर उसी में है जिसमें टेस्टिस है, और स्पर्मेथी भी उसी में से, उसी सेगमेंट में जिसमें टेस्टिस पाए जाते हैं। तो ये इसका एग्जांपल है ट्यूबीफेक्स और किटोगेस्टर, ये दो इसके एग्जांपल है। उसके बाद में आता है प्लेसिपोरा प्रोसोथिकेटा, इसका नाम है प्लेसिपोरा, तो दोनों में सेम थिंग है, ये है प्रेसियोथिकेटा और ये है प्रोसोथिकेटा। इसमें देखिए, मेल गोनोपोर आर सीन इन द सेम सेगमेंट फॉलोइंग द टेस्टिस, सेम है, जिसमें टेस्टिस है उसी में क्या है, मेल गोनोपोर है। स्पर्मेथिकी आर इन फ्रंट ऑफ द जेनाइटल सेगमेंट, अब यहां पर देखिए स्पर्मेथी कहां पर है, जो वसन युक्त टेस्टिस है उससे आगे वाले खंड के अंदर वो स्पर्मेथिकी पाई जाती है, और इसका एग्जाम्पल है एस्पिडोडिलस। तीसरा जो इसका ऑर्डर आता है वो है प्रोसोपोरा, इसमें देखिए क्या है, मेल जिनाइटल पोर, मेल गोनोपोर इन द सेम सेगमेंट कंटेनिंग टेस्टिस, या तो जो मेल जिनाइटल पोर है या तो उसी खंड में मिलेगा जिसमें टेस्टिस है,
या फिर ऑन द सेगमेंट कंटेनिंग सेकेंड पेयर ऑफ टेस्टिस, जिस सेगमेंट में सेकेंड पेयर टेस्टिस पाया जाता है उसके अंदर मेल गोनोपोर पाया जाता है और उसका है ब्रेंकियोडेला, ये इसका एग्जाम्पल है ब्रेंकियोडेला। तो ये तीसरा ऑर्डर। चौथा देखिए ओपिस्थोपोरा, मेल गोनोपोर आर इन सेगमेंट बिहाइंड द टेस्ट बिहाइंड द लास्ट पेयर ऑफ टेस्टिस, मतलब जिस सेगमेंट में लास्ट पेयर टेस्टिस का पाया जाता है उससे एक पीछे होता है। तो ये है ओपिस्थोपोरा और इसका एग्जाम्पल है फेरिटिमा और लुम्ब्रिकस। तो इस प्रकार से ये पॉलीकीटा कंप्लीट होता है और ओलिगीटा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो है अपन लेते हैं, नेक्स्ट है हिरुडिनिया, जो तीसरी क्लास है फाइलम एनिलिडा की, जो तीसरी क्लास है उसके अंदर चार ऑर्डर दिए गए और उन चार ऑर्डरों के नाम है, पहला है एकेंथो डेलिडा, एकेंथो डेलिडा ये प्रिमिटिव है, सबसे प्रिमिटिव है। सिटी प्रेजेंट इन फाइव एंटीरियर सेगमेंट, यहां पर जो सिटी है वो केवल आगे वाले पांच खंडों के अंदर पाई जाती है, जो सिटी चलनांग है वो पांच खंडों में पाई जाती है आगे वाले में, विदाउट एंटीरियर सकर एंड जा, यहाँ पे एंटीरियर सकर जो होता है अगर चूसुक होता है वो भी एब्सेंट है और जाज भी एब्सेंट है। सिलोम विथ कंपार्टमेंट, यहाँ पर सिलोम में कंपार्टमेंट बने हुए थे। और एक करेक्टर और है वो ये है कि यहां पर जो फेरिंग्स होती है, यहां पर जो फेरिंग्स होती है वो इवर्सिबल होती है, इवर्सिबल यानी थोड़ा बहुत वो बाहर निकल सकती है, तो फेरिंग्स इनमें इवर्सिबल होती है। एग्जाम्पल है अकेंथोडेला, अकेंथोडेला, तो ये इस ऑर्डर के नाम से ही इसका एग्जाम्पल है, अकेंथोडेला ऑर्डर है, अकेंथोडेलिडा ऑर्डर का नाम है और एग्जाम्पल है अकेंथोडेला। दूसरा जो ऑर्डर आता है इसमें वो है रिंकोडेलिडा, रिंकोडेलिडा ये एक्टोपैरासाइट है, ठीक है, इसमें भी विभिन्न प्रकार की लीचेज आई जाती है, लीचेज पाई जाती है और वो एक्वेटिक होती है। यहां पर भी जाब सेंट है, यहां पर भी जाब सेंट है, यहां पर भी जाब सेंट है। सिलोम विद कंपार्टमेंट, यहां पर भी सिलोम में कंपार्टमेंट पाए जाते हैं और यहां पर भी सिलोम में कंपार्टमेंट पाए जाते हैं। इसका एग्जांपल है पोंटोडेला, पोंटोडेला। फिर तीसरा ऑर्डर आता है नेथोडेलिडा, नेथोडेलिडा ये एक्वेटिक भी है, टेरिस्टिल भी है और एक्टोपैरासाइट है, जिसके अंदर लीच जिसको अपन ने पढ़ा है वो ब्लड सकिंग लीच, कुछ लीचेज इसमें भी आती है लेकिन वो ब्लड सकिंग लीचेज नहीं है। यहां पर इस ऑर्डर में नेथोडेलिडा के अंदर लीचेज आती है, जो ब्लड सकिंग करती है वो लीच आती है और वो एक्चुअल में क्या है, एक्टोपैरासाइट है, बाह्य परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इन दोनों में जाज नहीं है लेकिन यहां पर थ्री पेयर ऑफ जाज पाए जाते हैं और उनके ऊपर टीथ भी होते हैं। फेरिंग्स नॉन इवर्सिबल, फेरिंग्स थोड़ा सा हटके बाहर नहीं निकल सकती है तो यहां पर नॉन इवर्सिबल है। तो इसका एग्जाम्पल है हिरुडो और हिरुडिनेरिया, दोनों अलग अलग है, हिरुडो और हिरुडिनेरिया। चौथा जो ऑर्डर आता है वो है फेरिंगोडेलिडा, फेरिंगोडेलिडा ये भी टेरिस्ट्रियल भी है, एक्वेटिक भी है, ये दोनों में सेम है, एक्वेटिक टेरिस्ट्रियल, ये भी एक्वेटिक और टेरिस्ट्रियल है, प्रीडेसियस है शिकारी के रूप में, जाज यहां पर एब्सेंट है, तो इसका मतलब जाज तीनों में एब्सेंट है। फेरिंग्स नॉन इवर्सिबल है यहां पर भी और एग्जाम्पल है डाइना। तो ये तो दोनों ऑर्डर है, इन दोनों में क्या है, फेरिंग्स नॉन इवर्सिबल, फेरिंग्स नॉन इवर्सिबल और इन दोनों में क्या फेरिंग्स है वो इवर्सिबल है, फेरिंग्स दोनों में इवर्सिबल है पाई जाती है। ये एक्टोपैरासाइट है, ये भी एक्टोपैरासाइट है, ये एक्टोपैरासाइट नहीं है, प्रीडेसियस है। तो इस प्रकार से ये चार ऑर्डर होते हैं इनके हिरुडिनिया के। इस तरीके से ये एनिलिडा का क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। थोड़ा सा करेक्टर के लिए समराइज कर देता हूं, जो एनिलिडा के जंतु है उनमें एनिलिडा का मतलब एनुलस यानी उनमें रिंग का पाया जाना, उनमें रिंग से पाई जाती है प्रत्येक खंड के अंदर। हैबिटाट अगर अपन देखें तो ये एक्वेटिक भी है, टेरिस्ट्रियल भी है, एक्टोपैरासाइट के रूप में भी पाए जाते हैं, कमर्शियलिज्म भी इनमें पाई जाती है, पैरासिटिक भी होते हैं। और उसके बाद में अगर क्लासिफिकेशन के बेस के अपन करेक्टर देखें तो बायलेटरल सिमेट्री होती है इनमें, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है, सिलोम है वो साइजोसिलिक सिलोम पाई जाती है इनके अंदर
और उसके बाद में जो इसके अंदर जो एपिडर्मिस है वो फुली डेवलप्ड होती है, उसमें क्यूटिकल भी है, फिर उस पर एक सिंगल लेयर नीचे एपिडर्मिस की भी है, फिर उसके नीचे मस्कुलेचर भी कंप्लीट है, सर्कुलर मस्कुल्स पाई जाती है, लोंगिट्यूडिनल मसल्स पाई जाती है। और इसके अधिकांश जंतुओं में मस्कुलेचर के बाद में क्या पाया जाता है, बोट्राइडल टिश्यू पाया जाता है, और उस बोट्राइडल टिश्यू की वजह से इनकी सिलोम है वो हासित या रिड्यूस्ड होती है। इसके बाद में अपन देखें तो इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन है वो सीटी होते हैं, छोटे छोटे हेयर नुमा संरचना होती है, और वो हेयर नुमा संरचना या तो चमड़ी के ऊपर डायरेक्ट लगी रहती है या फिर वो पेरापोडिया के ऊपर होती है या फिर इसमें चलनांग है वो अब्सेंट होते हैं। तो इस आधार पर अपन ने तीन क्लास में भी डिवाइड किया है। पोलिकीटा के अंदर खूब सारी सीटी पाई जाती है जो कि चमड़ी के ऊपर होती है, उसके बाद में ओलिगोकीटा में फ्यूज यानी बहुत कम सीटी पाई जाती है और हिरुडिनिया के तरफ सेट होती है, और जो चौथी क्लास अपन ने बताई है उसमें केवल जो बताया उसमें आर्किनिडा जिसमें केवल एक डजन ही एनिमल्स पाए जाते हैं। और करेक्टर अपन देखे तो इसके सिस्टम के देखिए आप, एलिमेंट्री कैनाल इनमें कंप्लीट होती है, डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, रेस्पिरेशन बाई स्किन भी होता है, बाई गिल्स जो पेरापोडिया के ऊपर पाए जाते हैं उनके द्वारा होता है, कुछ हेड रीजन भी इसमें रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, जो रेस्पिरेटरी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज टाइप का है, ठीक है। और यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो या तो हीमोग्लोबिन पाया जाएगा या फिर इरिथ्रोक्रोनिन पाया जाएगा, और उसकी विशेषता ये कि वो प्लाज्मा में डिजोल्व रहता है ना कि कणिकाओं के अंदर डिजोल्व रहता है। नर्वस सिस्टम भी इसमें डेवलप्ड होता है, और रिप्रोडक्शन में अपन देखा कि यूनिसेक्सुअल भी होते हैं और बाइसेक्सुअल भी होते हैं, और अधिकांश जंतु में रीजनरेशन की कैपेसिटी भी पाई जाती है। तो बहुत ही सिंपल है, तो याद करने के लिए सबसे पहले आप एनिलिडा का शब्द का अर्थ याद रखिए, उसके बाद में उसके हैबिटेट बताइए, उसके बाद में उसके जो क्लासिफिकेशन के बेस के करेक्टर है वो बताने अपने को, और उसके बाद में जो बॉडी में बाहर दिखाई देता है जैसे क्यूटिकल, एपिडर्मिस है, मस्कुलेचर है, ये बाहर के करेक्टर आ गए, चलने वाले अंग कौन से होते हैं, ये बताने के बाद में अपने को हर एक सिस्टम के करेक्टर लेने, ये एक तरीके से उनको याद करने का तरीका है। और इस प्रकार से इसके अंदर तीन क्लास अपन ने बताई और वो ये क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट होता है। थैंक्स।